मस्त होंगे गाइस। दो दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी गाइस अभी तक शाम को बनाएंगे फिर आराम से। हर से क्या करिए गाइस, ये मेरा पीछे है गाइस, शाम हो चुकी है। गाइस कैसे हो आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप भी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। गाइस दो दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी हालत हो गई थी एकदम डाउन, तो मेरे पास इतने सारे वीडियोस पड़े कि जो अभी डालने बाकी हैं, अभी कंटिन्यू मेरे व्लॉग आते रहेंगे। तो गाइस अब सुबह का टाइम है और हर्षी के डैडी तो चले गए क्योंकि मैंने सुबह उनके लिए फटाफट से नाश्ता बना लिया था, और फिर मम्मी ने बोला कि अभी मैं मक्का वाली रोटी बनाऊंगी, तो हम लोग वेट कर रहे थे। तब तक मैंने झाड़ू लगा लिया, पोछा लगाना बाकी है, तो डेली पोछा नहीं लगाती हूँ मैं दो तीन दिन छोड़ के क्योंकि ना ठंडा बहुत हो रहा है बाहर, लेकिन पोछा लगाए बिना ना मेरा मन मानता नहीं है, बहुत ही ऊपर नीचे हो जाता है। तो गाइस अब मैं नाश्ता करती हूँ, आप लोग मेरा नाश्ता देखिएगा मस्त वाला, और उसके बाद करती हूँ बाकी काम, बीच बीच में काम भी करना है मुझे। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है तो जो मेरे काम पेंडिंग पड़े हैं वो मुझे पूरे करने हैं। गाइस 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 अभी तक मैं बाहर वेट कर रही थी कि धूप आ जाएगी, धूप आ जाएगी, धूप ने बस ऐसे मुझे दर्शन दिए और चली गई, क्या करूँ धूप आई नहीं रही। और तो गाइस मैंने ना अभी परसों चादर वाले आए थे, चादर वाले जो मैंने पहले आपको दिखाया था ना, जो चादर लिए थे हमने 200 रुपीज़ में, वही सेम चादर वाला फिर से आ गया था। देखो 200 वाला जो चादर था जिसमें तकिया कवर भी थे, तो ये है मतलब पीलो कवर, तकिया कवर कुछ भी बोल दो, तो हम ज़्यादा ही अंग्रेज बन जाते तो ये लिए थे, देखो पिंक वाला कितना सुंदर लग रहा है। तो सेम अभी क्या हुआ था, बीच में परसों फिर से आ गया था, तो हम लोगों ने फिर से इतनी सारी चादरें खरीदी हैं कि क्या बताऊं। और मम्मी ने भी दो खरीदी हैं, मैंने भी इस बार क्या करा, मेरी मम्मी को मैंने अपनी मम्मी को भी बताया था गोलापार में, तो मेरी मम्मी ने भी बोला था कि अगर आएगा तो मेरे लिए भी ले लेना, और मीनू ने भी बोला था मेरे लिए भी ले लेना, तो दो मीनू के लिए लिए मम्मी ने, दो मैंने लिए घर के लिए। तो वो से एक चादर है, दिखाती हूँ आपको कौन सी वाली है, ये वाली देखो, ये चादर है कितनी सुंदर लग रही है ना, ये मुझे ना एक ही बार में ये इतनी सुंदर लग रही थी क्या बताऊँ। ये मैंने अभी बस ऐसे करके रखी है और मैं इसको घर जाऊंगी और घर जाके मम्मी को दे दूंगी। मेरी मम्मी ने बोला था मेरे लिए दो चादर ले आना, वैसे तो वहाँ बहुत सारी हैं, हीना लेकर आई है, पर मैंने मम्मी को बताया था कि 200 रुपये की, तो सबका ही जी ललचा जाता है, 200 रुपये के नाम पर सब ऐसे हो जाते हैं। तो दो चादर मैंने ली थी उसकी अब उसकी पैकिंग करूंगी और जाऊंगी फिर मैं घर। गाइस त्यौहार आने वाला है, तो त्यौहार मतलब फेस्टिवल, वैसे तो सब लोग ऐसे जाते रहते हैं, तो मैं तो बहुत कम जाती हूँ घर, कभी कभार जाती हूँ, और मेरे को बोलते भी हैं कि घर जाती नहीं हो, जाती नहीं हो, जाती नहीं हो। तो मेरे को ना सही बताऊँ तो मतलब ऐसे फेस्टिवल में जाना अच्छा लगता है, और मतलब कि ऐसे जाओ तो अच्छा भी लगता है, और फिर रहने का भी मन करता है वहाँ, थोड़े दिन ऐसे रहो तो मज़ा आता है। पहले मैं राखी में गई थी, तो राखी में मैं रही थी 15 दिन वहाँ पे रही थी, तो बहुत अच्छा लगा था, ऐसे फेस्टिवल में जाने में अच्छा लगता है। तो अब इस बार मैं जाऊँगी, सोची हूँ त्यौहार में, सोच रही हूँ अभी क्योंकि अभी कुछ प्लान नहीं बना है मेरा, अगर मैं गई तो थोड़े दिन रुक के आऊँगी फिर, क्योंकि तब से मैं रुकने नहीं गई हूँ, और मेरी मम्मी लोग बोले थे कब आएगी रहने के लिए, ऐसे ही होता है छोटी बच्ची है ना हर्षी के लिए, मतलब वो लोग इतना एक्साइटेड हो रहते हैं कि हर्षी को कब लेके आएगी। तो मैं बोलती हूँ हर्षी को देखना है तो मेरे ही घर आ जाओ, मैं हर्षी को यहाँ नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि ना हर्षी को जुकाम लग जाता है, वहाँ जाके बीमार पड़ जाती है। पर इस बार मैं सोची हूँ थोड़े दिन रह के आऊँगी। और गाइस मेरे ना मेरी सारी चूड़ियाँ टूट गई थी, मैं सोची थी 20 रुपये वाली चूड़ियाँ लेके आऊँगी, वैसे तो वो बहुत महंगी हैं, पर मतलब सस्ती मिल जाती है, तो अब देखूँगी वहाँ जाने का। मैंने पीछे वाला दरवाज़ा खोल दिया है, यहाँ देखो कैसा हो रहा है, वैसे तो यहाँ डेली सफाई होती है, हम लोग करते हैं, और हम सोचे धूप आ जाए, ये हमने पीछे की साइड से छोड़ा हुआ है, देखो ऐसे करके, ये देखो देखो मम्मी आओ हमारे घर का होम टूर कर लो, पीछे वाला दरवाजा खोल दिया मैंने कहाँ मम्मी लोग आग लगाने जा रहे हैं, जहाँ आग लगाते हैं आज ये लोग, आज भूख भी नहीं लग रही, खाने का भी मन नहीं कर रहा है, पापा के लिए वो ही बना दूंगी, शाम को बनाएंगे फिर आराम से। ये लोग बाहर आग लगा रहे हैं, मैं झाड़ू क्यों लेकर आई हूँ मेरे समझ नहीं आया। ये हर्षी को देखो,
हमने कितने सारे कपड़े डाले हैं, धूप ही नहीं आ रही है यहाँ। हर्षी क्या कर रही है, आग जला रही। अब तो धूप के दर्शन हो रहे। धूप आजा, कहाँ छुपी है आसमान में? बानी है, ओ बानी कहाँ छुपी है? ये देखो देखो। तो गाइस चलो तुम्हें कराते हैं होम टूर। ये रहा हमारा आंगन, यहाँ पे बाइक और स्कूटी खड़ी है, और ये हमारा ग्राउंड है, मतलब हमारा आंगन है, जिसको पहाड़ी में बोलते हैं आंगन और हिंदी में बोलते हैं इसको। सब्जी वाले अंकल रुक जाना, तो अभी मैं चलती हूँ पीछे की साइड से। ये देखो अभी हमने सारा सामान जो है साइड से लगा रखा है यहाँ पे, और ये पापा ने सारा सामान सेट कर रखा है। आप देख सकते हो ये सारी सेटिंग पापा की करी हुई है, और ये अभी हमारी दीवार जो है यहाँ से कंप्लीट होगी अभी पूरी वहाँ, तो इतनी हुई है। और यहाँ पे हमने बनाया है दिल, और लिखा है एच और आई। एच मतलब हेमंत, आई मतलब इंदु, और बीच में लिखा है हर्षी। तो आप देख सकते हैं मेरा नाम नहीं लिखा है, नहीं ये हर्षी का नाम लिखा है। तो ये देखो ये हमारा पीछे वाला, मतलब पीछे का जैसे बैठने का होता है ना, तो वो वाला है। और यहाँ से हमारा दरवाजा है, और यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। तो मैंने दरवाजा खोल दिया क्योंकि थोड़ी बहुत हवा अंदर जाएगी। और यहाँ पर से है मम्मी का कमरा अंदर। तो चलो चलते हैं। एक प्लांट यहाँ पे भी लगा हुआ है फूल, ये गर्मियों में तो इतने खिले थे, इतने सारे खिल रहे थे। गाइज ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती, ये मेरा पीछे 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 लगी रहती है। अब मैं इसको ले जाती हूँ, मम्मी सब्जी लेने जा रही है। अब सब हम चार जितने हैं सबके सब सब्जी लेने ही जाएंगे, देखते रहो। पूरी बारात जैसी सब्जी लेने जाएगी, देख लो, देख सकते हो गाइज आप, पूरी फैमिली सब्जी लेने जा रही है। बताने में भी हंसी आ रही है क्योंकि सबके साथ अंदर रह रह के बोर हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं बाहर। गाइज शाम हो चुकी है, और मैं अपनी किचन में 5 बजे से एंट्री कर चुकी हूँ। तो आज हम बना रहे आलू के पराठे, हर्षी दादू के साथ वॉक करी है, और हर्षी के डैडी के आने में टाइम हो चुका है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो गाइज आज दिन में हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया था, इसलिए अभी हम बना रहे हैं आलू के पराठे और सेवई, तो यही बनाएंगे हम सब लोग। तो अब मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ, मैंने मसाला भी तैयार कर दिया है, और हर्षी वॉक कर रही है दादू के साथ। हिटी हिटा हिटू हिटू करेगा, हिटू हिटू करेगा, हिटू हिटू करेगा, हिटू हिटू। ये देखो भागी भागी भागी, ये देखो कितनी तेज चलती है। हर्षी और दादू वॉक कर रहे हैं, प्यारे। अब मेरी वो सिवई बन गई है, देखो मैंने सिवई बना दी है, एकदम फर्स्ट क्लास, धुआं निकल रहा है इसमें से। और मैंने सुबह के लिए कटहल की सब्जी भी काट के रख दी है, ये रही मेरी कटहल की सब्जी। सुबह को हम इसको बनाएंगे, इसको ढक के रख देती हूँ, और हर्षी अभी खेल लिया। अब बनाते हैं पराठे, मसाला पूरा रेडी करके रखा हुआ है, और उसको थोड़ा सा ऐसे कवर करके रख देती हूँ। और इसके लिए मैंने लहसुन प्याज जो है ना वो मैंने सब अभी बना के रख दिया है, सुबह उठ के मॉर्निंग में सीधे इसको भून दूंगी और फटाफट बना लेंगे हम लोग। और ये रहा मेरे आलू के पराठों का मसाला, ये देखो अब इसमें ऐड करेंगे सब कुछ। बानी तेरे को देख रही हूँ मैं, ये बानी इतना उछल रही है, बहुत ही उछल रही है यार। गाइस पराठे बन गए हमारे आलू के, धुआं भी निकल रहा है, जल गया क्या? पक गया एकदम, फर्स्ट क्लास आलू के पराठे। गाइस इन दोनों को देखो कैसे लुक्का छुपी खेल रहे, लुक्का छुपी। रात के 10 बज गए हैं, कोई दोनों में से एक भी नहीं सो रहा है, इनको मस्ती चढ़ी हुई है। ये देखो
देख कैसे मस्ती चल रही है गाइस, हम लोग का खाना पीना हो गया, आप लोग का भी। कह रही है मुझे कंबल उड़ाओ और लुक्का छुपी खेलो, हाइड एंड सी का गेम चल रहा है इनका। ये हर्षु कहाँ है, अच्छी कहाँ है, देखो 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 देखो, ये मिल गई, इसके अंदर छुपी है ये अपने पापा की कोख में छुपी है, कोख में। हाँ हाँ कह रही है, हाँ हाँ पापा की पेटू में छुपी है ये लड़की, छुप जा बाय। तो गाइस चलो चलते हैं, सोते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, आप लोग भी सोएगा, कल मिलेंगे नए दिन के नए व्लॉग के साथ, तो हम चलते हैं, बाय।